गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोरिंग नॉलेज पे। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ड्राइंग मास्टर का जो एग्जाम हुआ था 27 जुलाई 2018 को, पोस्ट कोड 637 था और इसमें जो अधिकतम मार्क्स है 85 मार्क्स का था और 2 घंटे का ये एग्जाम था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न एक है, इसमें हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? तो चिकोटी विधि से किया जाता था। बी इसका सही आंसर है। प्रश्न दो, सिंधु लोगों की धार्मिक मूर्तियों का रूप था मृंग मूर्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे प्राचीन सिक्के का क्या नाम था? तो निष्क था ये, सबसे प्राचीन जो सिक्का था वो निष्क था। क्वेश्चन नंबर 4, गेरू में चर्बी मिलाकर चित्रों का निर्माण सबसे पहले किस काल के मानव ने किया था? प्रातिहासिक काल के मानव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका एक सही आंसर है ब्राइडर। क्वेश्चन नंबर 6, सांची के स्तूप किस समुदाय की कला एवं मूर्ति कला को निरूपित करते हैं? तो बौद्धों की कला और मूर्ति कला को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक स्तंभ नामक प्रसिद्ध मौर्यकालीन शिल्प किसने बनाया था? तो ये अशोक ने ही बनाया था। प्रश्न 8, सबसे बड़ी संख्या में कुषाण कालीन मूर्तियाँ भारत के किस संग्रहालय में हैं? तो ये सी का सही आंसर है, मथुरा संग्रहालय में। सिंधु घाटी सभ्यता तथा संस्कृति काल के चित्र किन वस्तुओं पर मिलते हैं? तो ये आ जाता है डप्पों पर। भारत में वंश चित्रण का आरंभ सबसे पहले किस चित्रकार ने किया था? तो इसका सही आंसर भी अविंद्रनाथ टैगोर का निर्माता कौन है? तो राजराज प्रथम, डी इसका सही आंसर है। 12, हड़प्पाकालीन खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तनों पर समन्वय किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। 14, मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है, पिरामिड या एम समाधि? क्वेश्चन नंबर 15, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो ये महाराष्ट्र की है। 16, सबसे पुराने चित्र किस गुफा में है? एलोरा की गुफा में। 17, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से है। मूर्तिकला की 18, मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली किस शैली का सम्मिश्रण था? तो भारतीय ग्रीक शैलियों का, इसका ए सही आंसर है। 19, नृत्य करती शिव मूर्ति को क्या कहा जाता है? नटराज। 20, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का सबसे प्रसिद्ध चित्रण किसने किया है? तो राजा रवि वर्मा ने। 21, प्राचीन काल में चलता आया शांति व मंगल कामना का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक, बी इसका सही आंसर है। 22, कलमकारी लोग कला का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। 23, भारत में सबसे बड़ा फोक व ट्राइबल आर्ट का म्यूजियम कहाँ स्थित है? यह है भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 24, केवल अक्षरों के प्रयोग से बनी वस्तु निरपेक्ष कला कृति जिसमें अक्षरों का कोई शब्दिक अर्थ नहीं होता को क्या कहते हैं? आर्चीवर्क। 25, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वस्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक कुषाण काल में विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, केरल कार्टून अकादमी का संचालन कौन है? तो केरल की सरकार। 27, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो पश्चिम बंगाल की। 28, इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये हुई थी 1933 में बेंगलोर में। 29, ऐसी स्त्री की मूर्ति जो वृक्ष को संभालते हुए अथवा उसका सारा लिए खड़ी है वो कहलाती है वृक्षिका। नंबर 30, FN सूजा, HS रजा, MF हुसैन, HRA, HA गड़े तथा SK बकरे किस कला ग्रुप के संस्थापक थे? बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के जो संस्थापक थे ये। 31, फोटोग्राफी का आविष्कार कब हुआ था? तो लगभग 400 ईसा पूर्व में हुआ था फोटोग्राफी का आविष्कार। 32, किस चित्रण में हाई लाइट दिखाने हेतु कागज को सफेद छोड़ देते हैं? तो जल रंग चित्रण में। 33, सफेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगते क्या कहलाती है? तो टोन कहलाती है। 34, उस चित्रण का नाम बताइए जिसमें धरातल पर रंग लगाकर सुखाया जाता है और फिर धोया जाता है, ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, वाश चित्रण। 35, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो
पौराणिक कथाओं एवं रीति कालीन नायक नायिकाओं की। तो इसका ए सही आंसर है। नंबर 36, काला चांद नमक चित्र का चित्रकन किसने किया था? सतीश गुजराल ने किया था, ये सी इसका सही आंसर है। 37, 17वीं शताब्दी में सजनू कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो ये कुल्लू का था। 38, नोरा रिचर्ड का संबंध किस स्थान के साथ था? अंद्रेटा के साथ। 39, कांगड़ा स्कूल पेंटिंग का संबंध किसके साथ था? सुजानपुर के साथ था। कौन सा पेंटिंग स्टाइल हिमाचल में नहीं फली फूली? तो नामी कलम। 41, जगन्नाथ मंदिर हिमाचल में कहाँ स्थित है? तो ये है नाहन में। 42, भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है? चंबा में। 43, हिमाचल प्रदेश से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकला शैली का क्या नाम है? कांगड़ा कलम। 44, हिमाचल प्रदेश कला शैली में बने मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? जांगणी मंदिर। 5, चंदूलाल रैना किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रसिद्ध कलाकार गुल्लर वक्ष निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? चित्रकला के लिए। 47, डॉक्टर एम एस रंधावा द्वारा पहाड़ी चित्रकला पर निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई हैं? ये सभी पुस्तकें लिखी गई हैं, बसोली चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला के नायक कृष्ण। 48, शिमला गेटी थिएटर की वस्तु निर्माण कला किसने की थी? तो एच डार्विन ने। 49, शोभा सिंह कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं है। 50, चंबा रुमाल पर कढ़ाई की परंपरागत शैली को किस शासक से समृद्ध किया है? राजा उम्मेद चंद उम्मेद सिंह ने। 51, निकोलस रोरिक मूलत किस देश के निवासी थे? तो ये रूस के थे। 52, शिमला के किस मंदिर में पाषाण मूर्तिकला विद्यमान है? हाटकोटी मंदिर में। 53, भारत सरकार ने शोभा सिंह की उत्कृष्ट कृतियों के लिए उन्हें की कौन से सम्मान से विभूषित किया है? पद्मश्री से। 54, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डब्ल्यू जी आर्चर ने लिखी है ये। 55, गोलू कहाँ का प्रसिद्ध कलाकार था? तो भगाल का था ये। क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए चित्र को चित्रकार ने दृष्टि रेखा का इस्तेमाल किस दिशा से किया है? ऊपर से। 57, एचबी की पेंसिल से एच यदि हार्डनेस को दिखाता है तो बी क्या दर्शाता है? तो ब्लैकनेस इसका ए सही आंसर है। 58, चित्र में गहराई दिखाने के लिए चित्रकार दूर की वस्तु छोटी दिखाता है। 59, नीला रंग किसका प्रतीक है? तो ये शांति का। 60, महिला चित्र का माप उसके सिर का औसतन कितना गुना होता है? तो 7 से 1/2 गुना। निम्न में से कौन सी जंजीर रेखा है? तो इसकी ये सही आंसर है बी। 62, यदि एक बेलनकार वस्तु अपने आधार पर सीधी खड़ी है तो पार्श्व दर्पण आयताकार होगा। 63, क्वेश्चन नंबर 63, ज्यामिति में उत्तर की रेखा होती है गहरी। 64, यदि प्रथम रंग लाल पीला नीला है तो द्वितीय श्रृंखला क्या है? हरा जामुनी और संतरी। इसका ए सही आंसर है। 65, वस्तु चित्र में किस क्रम से बिठाया जाता है? तो आगे से पीछे, आगे से 7 और पीछे से 6, यानी कि बी इसका सही आंसर है। 66, दो समांतर रेखाओं ए वी सी डी के बीच के कोण को रेखाओं को बिना बढ़ाए दो समान भागों में बांटने के लिए दोनों रेखाओं के समांतर रेखाएं खींचनी पड़ेगी। तो इसका सी सही आंसर है। 67, एक समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 22.5 डिग्री का है तो तीसरा कोण होगा 67.5 डिग्री का। पंचभुज के भाग कोणों का जो योग होता है 360 डिग्री। 69, किस गोल थाली का केंद्र ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम क्रिया करनी होगी? परिधि पर 3 बिंदु लेने होंगे। इसका सही आंसर है डी। 70, दो समान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा लगाने हेतु स्पर्श बिंदु ज्ञात करने के लिए केंद्र बिंदुओं को मिलाकर 90 डिग्री के कोण बनाने होंगे। तो इसका सही आंसर है ए। 71, यदि वर्ग शुंडाकार आकृति का पार्श्व चित्र बनाना हो तो त्रिभुजाकार होगा। सी इसका सही आंसर है। 72, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के अभिनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। 73, पंचभुज घन क्षेत्र आकृति में होती हैं 5 आयतें। 74, वृत्त में अवधा उसे कहते हैं जो चाप और जीवा से घिरा होता है।
सी इसका सही आंसर है 75। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 हो तो उसे त्रिभुज के कोण होंगे 75 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि इसका सही आंसर है सी 76। ऐसे पिंड को आकृति को क्या कहते हैं जिसके आधार समषष्ठभुज और शीर्ष पर आकृति हो, षटभुज घनाकार। 77 चाप और दो त्रिज्याओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, वृत्तखंड। 78 वर्ग घन क्षेत्र के हेतु कौन सा कथन सही है, 6 वर्ग आकृतियाँ। 79 समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स समकोण है जिसकी भुजा एक्स जेड को तक बढ़ाया जाता है, वाई जेड एल क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है 140 डिग्री सी 80। अर्धवृत्त में 12 बराबर भागों में बांटने के लिए कितने डिग्री के कोण बनाने होंगे, इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही आंसर है 81। यदि किसी घड़ी में घंटे की सुई 12 पर और मिनट की सुई 6 पर हो तो वो कौन से कोण बनाती हैं, तो रिज्जू कोण बोलते हैं इसको। 82 स्केल बनाने के लिए कागज़ की बाँट करने पर प्रोजेक्शन में क्या बनाते हैं, तो वर्ग। 83 स्केल पैमाने पर 5:20 पैमाना बनाने के लिए 50 मिलीमीटर को 20 सेंटीमीटर में बांटना होगा, इसका जो सही आंसर है बी। 84 यदि एक गोलाकार पिंड धरातल पर रखा गया हो तो उसका ऊपरी दर्शन कैसा होगा, तो सामान्य दर्शन की तरह। 84 यदि एक गोलाकार पिंड धरातल पर रखा गया है तो उसका ऊपरी दर्शन कैसा होगा, सामान्य दर्शन की तरह। 85 यदि रेखा ए बी सी डी तथा एल त्रियक रेखा हो तो निम्न आकृति में एक्स का मान क्या होगा, तो यह हो जाएगा 80 डिग्री। 86 वो कौन सी रेखा होती है जो केंद्र से परिधि के एक भाग तक खींची गई हो, अर्धव्यास। 87 वो कौन सी रेखा कहलाती है जो अर्धव्यास पर समकोण बनाती है, स्पर्श रेखा। 88 ऐसा सम धरातल क्षेत्र जो 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हो कहलाता है बहुभुज। 89 जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, विषम कोण आयत। 90 यदि किसी त्रिभुज की परिमिति DE दी है और भुजाओं का अनुपात 2:3:5:5 दिया है तो DE को कितने खंडों में बांटना होगा, तो यह आ जाएगा 10 खंडों में। 91 यदि किसी रेखा को 1/2, 3/4, 5/6 भागों में बांटना हो तो रेखा के दोनों सिरों में बने न्यून कोणों को कितने समान भागों में बांटना होगा, तो ये है 5, सही आंसर। 92 दो असमांतर रेखाओं को आपस में मिलाने से जो आकृति बनती है उसे कहते हैं कोण। 93 67.5 डिग्री का कोण बनाने के लिए कम से कम कितने चापों का प्रयोग करना पड़ेगा, तो सही आंसर आ गया बी 6 चापों का प्रयोग करना होगा। 94 कला शिक्षा में वस्तु चित्रण का विशेष महत्व है, इसके नियंत्रण अभ्यास से छात्रों में गहरी दृष्टि का विकास होता है, सही जो विकल्प है बी। 95 वस्तु चित्रण में समानुपात से अभिप्राय है वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना, सही आंसर है सी। 96 वस्तु चित्रण में डेपरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो पार्श्वभूमि सुंदर दिखाने के लिए। 97 चित्रकला में स्वानत सुखाए किस भाग के लिए कहा जाता है, ललित कला के लिए। 98 प्राय सुखाए किस कला हेतु संबोधन किया जाता है, वाणिज्य कला। 1991 में से कौन सा कथन सही है, लाल रंग क्रोध जोशीला और उत्तेजक है, तो इसका सही जो आंसर है डी 100 यदि हमें खुशी का कोई चित्र दर्शाना है तो उसमें किस रंग की प्रधानता होनी चाहिए, संतरी और गुलाबी। 101 ऐसे पेपर को क्या कहते हैं जो अधिक मोटा सफेद एवं मुलायम हो, तो आर्ट कार्ड पेपर। 102 रूपांकन के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। 103 पिगमेंट किसे कहते हैं, काला सफेद को पिगमेंट कहते हैं। 104 एक चरखी में 7 रंगों को लगाकर घुमाएं तो 7 रंग मिलकर सफेद दिखाई देंगे, यह आविष्कार किसने किया था, तो यह जो आविष्कार किया था आइंस्टाइन ने किया था। 105 इसमें उष्ण रंग कौन सा है, पीला। 106 स्थान रेखा रूप तान रंग
यह इसके महत्वपूर्ण अंग है। रूपांकन 107, चित्रकला में गति एवं लय पैदा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्केल और रंगों की। 108, तालाब के स्थिर पानी में कंकड़ फेंकने से लय पैदा होती है। 109, किस धागे को रंग कर कागज़ की सतह के अंदर दबाकर बाहर खींचने से जो नमूना बनता है वो कहलाता है? स्वतंत्र भावकृति डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 110, रंग योजना कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है। प्रभावशाली पोस्टर डिजाइन पर दृष्टि क्रम क्या होने चाहिए? तो नारा, चित्र, लिखित संग्रामी, सामग्री और विज्ञापक। 112, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एच की पेंसिल सख्त है, तो ए इसका सही आंसर है। 113, ज्योमिति बॉक्स में स्टेवर किस काम का आता है? तो इनमें से कोई नहीं। अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री के बीच हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। 115, वस्तु चित्रण में वस्तु में विद्यार्थियों की पहली पंक्ति की दूरी कितनी होती है? 2 मीटर। 116, एक त्रिभुज को 4 समान भागों में बांटने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तीनों भुजाओं का समद्विभाजन करना चाहिए। 117, यदि हमें किसी वर्ग का कर्ण दिया हो तो उससे वर्ग तैयार करने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या क्रिया करनी होगी? कर्ण का समद्विभाजन करना होगा। 118, संकेंद्र वृत्त में हमेशा एक की अपेक्षा दूसरा वृत्त छोटा होता है, ये इसका सही आंसर है। 119, जिस वस्तु की लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है उसे पिंड कहते हैं। 120, वो पिंड जो 4 समत्रिभुजों से घिरा हो उसे कहते हैं चतुष्फलक, सी इसका सही आंसर है। 121, मध्य पाषाण युग के लोग प्रयोग करते थे लोह, पत्थर, औजार। 122, संगम काल के मुख्य देवता थे मुर्गन। 123, महावीर के सच्चे अनुयायी जाने जाते हैं दिगंबर। 124, चोल साम्राज्य किसने स्थापित किया था? विजयालय ने किया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो 17 बार उसने आक्रमण किए थे। 126, 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? शेरशाह ने हराया था। 127, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड मिंटो ने अपनाई थी। 128, रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो 1932 में घोषित किया गया था। 129, भारत का संविधान अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। 130, निम्न में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत का भारत रत्न अवार्ड प्राप्त किया था? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 131, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए विहित अधिकतम आयु कितनी? इनमें से कोई नहीं। 132, राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अनुमेय अवधि है 6 माह की। 133, धन विधेयक किसकी पूर्व सहमति से राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यपाल के। 134, पंचायत से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है 29 विषय। 135, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है अनाई मुंडी। 136, कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? लूनी नदी। 137, भारत में प्रतिचक्रवात आते हैं शीत में। 138, काली मिट्टी अधिकांशतः विकसित होती है अर्धशुष्क परिस्थितियों के अधीन, बीस का सही आंसर है। 139, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थापित है? बेतावा। 140, निम्न में से कौन सी भारत में सबसे उत्तम जहाज निर्माण लकड़ी है? सागौन की लकड़ी। 141, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जो राज्य है? उत्तर प्रदेश। 142, भारत में प्रथम संश्लेषित रबड़ फैक्ट्री कहाँ प्रारंभिक की गई थी? बरेली में की गई थी, ये इसका सही आंसर है। 143, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे गहरा भूबद्ध और संरक्षित बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। 141, कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो ये है सीसा। 145, साक्षरता दर उच्चतम है केरल में। 146, मंगोलाइड जाति वंश का मूल स्वदेश था चीन। 147, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। 148, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला उपकरण कहलाता है सोनोमीटर। 149, अवतल लेंस यह भी कहलाता है अपसारी लेंस।
50 डिटोल इस रूप में कार्य करता है, प्रतिरोधी ए इसका सही आंसर है 151। कार्बन का शुद्धतम जो रूप है डायमंड है। 152 वर्ग जिस पर बैंक RBI को उधार देती है कहलाती है रिवर्स रेपो रेट, सी इसका सही आंसर है 153। आम आदमी बीमा योजना किसके द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए आरंभ की गई है, एक बीमा स्कीम है LIC द्वारा। 154 निम्न भारत पुरस्कार किसने संबंधित है, किससे संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित है। 155 कूट में ब्लूडर को JVC के SFE के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट में सेलिंग को कैसे लिखा जाएगा, जो सेलिंग को लिखा जाएगा BFTKHOJ, सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 156 संख्या 5, 3, 1, 4, 6, 8, 7 में संख्या के अंदर अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के पश्चात कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, दो अंकों की स्थिति। 157 अडॉप्ट अ हेरिटेज परियोजना के अंतर्गत हाल ही में किस कॉरपोरेट हाउस ने ऐतिहासिक स्थल लाल किले के रख रखाव के लिए MOU साइन किया है, डलमिया भारत लिमिटेड। 158 शिरुई लिली फेस्टिवल 2018 किस राज्य में मनाया गया है, तो ये मणिपुर में मनाया गया है। 159 भारत सरकार हाल ही में जैव तकनीकी पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ विधिक समझौते में शामिल हुई है, तो विश्व बैंक के साथ। 160 भारत के सबसे लंबी अवधि के लिए सेवा करने वाले भारत के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, पवन चामलिंग। क्वेश्चन नंबर 161 ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो ये कुल्लू में है। 162 हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश बना है, 1956 में। 163 प्रसिद्ध हरि राय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, चंबा जिले में। 164 शिशु मेला किन के द्वारा मनाया जाता है, तो बौद्ध द्वारा मनाया जाता है। 165 इन द डार्क ही नॉक्ड डैश द वॉल, तो इसमें आ जाएगा अगेंस्ट द वॉल। 166 एंटोनिम ऑफ द वर्ड लिव्ड हिज डिसेंट। 160 टू ग्रीस द पाम हथेली को चिकना करना टू ब्रेव, इसमें आएगा टू ब्रेव, ये आ जाएगा ए सही आंसर। 168 तो उपाय ना हो के लिए एक शब्द है अन्योपाय, तो इसका जो सही आंसर है बी। 169 प्रतिदिन में समास है अव्ययभाव समास। 170 इनमें विशेषण कौन सा है दैनिक, तो दोस्तों यह था ड्राइंग का एग्जाम जो 28 जुलाई 2018 को हुआ था।